हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू शिक्षित। आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और ईपीएफओ का जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था उसको आपने छोड़ा नहीं है, उसको अभी भी पूरी दिलो जान से आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लास्ट क्लास में हमने की थी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट्स की थी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट था हमारा और ड्राइंग्स थी, इस तरह की हमने जो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स थी वो की थी। ठीक है, आज उसी को एडजस्टमेंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो अपनी सबसे पहली जो आज की एडजस्टमेंट है उस पर एक बारी नजर डालते हैं। वो है हमारी बैड डेट्स रिटन ऑफ। अब बैड डेट्स होते क्या है? बैड डेट्स बेसिकली वो डेटर्स होते हैं जो हमारे बैड हो जाते हैं, मतलब जिनसे पैसे आने की हमारी जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है, ये लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। ठीक है, बैंकरप्ट हो गए हैं, या फिर जैसे बैंकरप्ट एज पर अगर कोर्ट ने उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, या भाग गए हैं, या आपको पता है कि ये पैसे नहीं आते, तो उस केस में आप बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं अपने डेटर्स को। अब इसमें सवाल कैसे आ सकता है पेपर में? इसमें आपको सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस दिया हो सकता है, ठीक है, उसमें बैड डेट्स की अमाउंट लिखी होगी, राइट right. और एक आपको दिया हो सकता है नीचे एडजस्टमेंट्स में, ठीक है, जो आपके ट्रायल बैलेंस में है। ठीक है, ये वाले जो बैड डेट्स हैं इनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और इसका हमने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है, मतलब इसका एक ट्रीटमेंट होता है, एक ही जगह इसको शो किया जाएगा। लेकिन जो बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया होगा इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, दो जगह इसको शो किया जाएगा। वो दो जगह कौन सी होगी? बैड डेट हमारा घाटा है तो सबसे पहली जगह जो होगी वो होगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है, और जो दूसरा है वो है बैड डेट से क्या हुआ? बैड डेट से हुआ आपका जो डेटर था वो कम हो गया, तो आपकी जो डेटर्स हैं बैलेंस शीट में उसकी जो अमाउंट है वो इस अमाउंट से कम हो जाएगी, राइट। अब आपको सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे पास, अब सपोज कीजिए एग्जामिनर आपको कह सकता है कि ट्रायल बैलेंस में ये बैड डेट्स दिए गए थे, तो इसका जो अकाउंट रिलेटिंग है, जो अकाउंट जिससे ये रिलेट करेगा वो कौन सा होगा? वो डेटर अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है, बैड डेट अकाउंट होगा, या प्रोविजन अकाउंट होगा, कोई भी एक्स वाई जेड और अकाउंट होगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ पीएनएल में आएगी, राइट। डेटर्स में से हम इस अमाउंट को कम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पज से दिखाया जाएगा, राइट। तो ऐसा ही एक मिलता जुलता और पॉइंट है, अगर बैड डेट अभी हुए नहीं है लेकिन हमें शक है कि हो सकते हैं, तो हम उसके लिए बनाएंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो प्रोविजन में क्या होगा? प्रोविजन में जो पहला ट्रीटमेंट है वो तो होगा आपका पीएनएल, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, अपना एक घाटा जो है वो आप पहले एस्टिमेट करके उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला जो ट्रीटमेंट है वो तो पीएनएल में होगा, ठीक है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो आपका डेटर्स अमाउंट जो होता है आपका उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, और इसका ये वाली अमाउंट कहाँ आएगी? ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी एज ए प्रोविजन, राइट। अब प्रोविजन बनता कैसे है? एक ट्रायल बैलेंस के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपको डेटर्स दिए हैं 40,000, ठीक है, बैड डेट्स भी ले लेते हैं इस सवाल में 1,000, ठीक है, नीचे दे दिया प्रोवाइड 10%, प्रोवाइड 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये जो बैड डेट है मैंने अभी आपको बताया था कि ये इस अमाउंट में से डिडक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो 10% किसका लेंगे? 40,000 का, 4,000, ठीक है, ये जो 4,000 है इसको आप सबसे पहले पीएनएल में ले जाएंगे डेबिट साइड पर, ये जो 4,000 है इसको आप डेटर्स में से माइनस कर देंगे 40,000,
माइनस 4000 और आपके डेटर आ जाएंगे 36000 के, और ये 4000 है वो आपकी प्रोविजन क्रिएट हो जाएगी लाइबिलिटी साइड पे 4000 से। ठीक है, ये तो हो गया एक केस सिनेरियो। अगर ये बैड डेट यहां ना दिए होते 1000 रुपए बल्कि एडजस्टमेंट में दिए होते तो आप क्या करते, ये वाला जो बैड डेट है ये यहां दिया होता, यहां से हम हटा देते हैं इसको, तो जो प्रोविजन है उसका एक रूल होता है, प्रोविजन आप उन्हीं डेटर्स पे क्रिएट करते हैं जो आपके बैलेंस बचते हैं, जो बैड है, जो बैड है वो तो कंप्लीटली बैड हो गए हैं। ठीक है, उसके लिए तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, ये सिर्फ आप डाउट वाले डेटर्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो 40,000 माइनस 1,000 हो जाएगा अगर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिए हैं, 39,000, और इसके ऊपर ये 10% हम प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। अब एक हमारे पास आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे आपने किसी से पैसे लिए तो आपको उम्मीद है कि मुझे इस आदमी को डिस्काउंट देना पड़ेगा जब पैसे आएंगे मेरे। ठीक है, मुझे इसको कुछ छोड़ना पड़ेगा, मैंने 1,00,000 रुपए लेने हैं तो मुझे 1,000 रुपए इसको छोड़ने पड़ेंगे, 10,000 रुपए इसको छोड़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप इसको प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं डिस्काउंट के नाम से, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका भी सेम है जैसे अभी हमने प्रोविजन क्रिएट किया बैड डेट्स के लिए, सेम इसका भी वही ट्रीटमेंट है। सबसे पहला जो है वो पीएनएल में आ जाएगा प्रोविजन, ठीक है, सेकंड आपका डेटर्स में से डिडक्ट हो जाएगा, और थर्ड आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और ये भी जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है ये भी आफ्टर बैड डेट्स के कैलकुलेट होता है, जैसे अभी हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में बैड डेट्स की अमाउंट जो एडजस्टमेंट में थी वो डिडक्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया था, वैसे ही जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो भी आफ्टर बैड डेट्स वाली जो हमारी अमाउंट होती है डेटर्स की उस पर क्रिएट होता है, क्योंकि आप डिस्काउंट उन्हीं को देंगे जो आपके अभी बैड नहीं हुए हैं, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन है पैसे आने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक एडजस्टमेंट आती है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ये मत सोचिए कि क्लास बहुत तेज चल रही है, तेज चलाने की जरूरत है क्योंकि ये सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है, ये आपको आगे चलकर हेल्प करेंगे, इसकी हम आगे चलकर इंप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कैसे कैसे ये सवाल में यूज हो सकता है। ठीक है, हमारे एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हम सवाल करने पे ही है। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका नहीं होना था, लेकिन ड्यू टू थेफ्ट हो गया, ड्यू टू फायर हो गया, या कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ये आपका लॉस हो गया है। किस चीज का लॉस होता है बिजनेस में, गुड्स का। ठीक है, तो अब गुड्स कहां कहां यूज होते हैं हमारे, जो गुड्स होते हैं उसकी प्रेजेंटेशन हमने कहां कहां की थी, सबसे पहले की थी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स में वहां पे हमने परचेज की थी, सेल की थी और क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था, वहां पे गुड्स इन्वॉल्व थे। उसके बाद हमारी कहां थी, बैलेंस शीट में। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था, राइट। अब ट्रेडिंग में सेल तो हुई नहीं है, अब नॉर्मल लॉस हुआ है, तो कौन से अकाउंट रह गए कंसिडरेशन में, परचेज अकाउंट रह गया और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट रह गया। ठीक है, सबको याद है ना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया था हमने, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल ये वो, राइट। तो अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होगी, इसमें हमारे पास तीन सिनेरियो होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका जो गुड्स है वो इंश्योर्ड नहीं थे, अनइंश्योर्ड थे, उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं थी, तो जो लॉस होगा, सपोज कीजिए लॉस की अमाउंट थी हमारे पास 10,000 रुपए, 10,000 की जो हमारी गुड्स की कॉस्टिंग थी वो लॉस हो गया, तो आप ये जो 10,000 है इसको आप अपनी परचेज में से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक में से डिडक्ट कर देंगे अगर अकाउंट्स बन चुके हैं तो। ठीक है, और बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लॉस, लॉसेस को हम कहां लेके जाते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्कुल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा 10,000 रुपए, ये हो गया आपका जो इसका ट्रीटमेंट होगा। ऐसे ही बैलेंस शीट में से आप इसको माइनस कर देंगे,
ठीक है। ये आपको क्लोज क्वेश्चन में केयरफुली देखना है कि आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पहले दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स के या बाद में दिया हुआ है। अगर एडजस्टमेंट्स अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो वो बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स होगा, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स होगा वो स्टॉक, ठीक है। इसका ये हो गया। अब सेकेंड केस सिनेरियो क्या होगा कि ये इंश्योर्ड था। इंश्योर्ड से क्या होगा, इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका जो नुकसान हो गया वो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पे बैक कर दिया, तो लॉस का सवाल हट गया, ठीक है। लॉस हट जाएगा हमारा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का लॉस होगा। लेकिन स्टॉक कम हुआ, बिल्कुल हुआ, परचेज में से डिडक्ट हो जाएगा 10,000। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ जी, बिल्कुल हुआ, उसमें भी 10,000 हो जाएगा। तो फायदा क्या, इसका लॉस नहीं हुआ तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसका ट्रीटमेंट होगा आप एक इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई, ठीक है। तो इसमें आपका जो ये जो लॉस का अमाउंट था 10,000, ये आप यहां लिख देंगे पीएनएल में टू आपका इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंट आ जाएगा और एक छोटा लेते हैं, दोनों चीजें आपको एक साथ दिख जाएंगी। ये आपका आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने पीएनएल में यहां शो किया था 10,000 रुपए, लेकिन अब हमें इंश्योरेंस मिल रही है तो ये 10,000 नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कहां चले जाएंगे, इस अकाउंट में चले जाएंगे, इंश्योरेंस अकाउंट में 10,000 रुपए हमारे आ जाएंगे और ये आपका हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम आउटस्टैंडिंग। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ये आपका एसेट साइड में 10,000 आपका एसेट आ जाएगा क्योंकि ये पैसे आपको मिलेंगे फ्यूचर में, ये पैसा आपको मिलना है, ठीक है। अगर ये आपको सेम ईयर में आपको पे हो जाता है तो आप इसको एसेट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट जो भी होगा वो रिलेवेंटली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड केस क्या होता है कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये हमारे जो गुड्स हैं, ये पार्टली इंश्योर्ड थे। मतलब एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली थी तो आपने कहा था कि मेरा जो क्लेम है वो 70% इसमें कवर हो जाए, तो उससे क्या होगा, इंश्योरेंस वाले आपको 70% देंगे इसका 10,000 का, 7,000 रुपये इंश्योरेंस से मिल जाएंगे। लेकिन जो 3,000 रुपये हैं, ये 3,000 है, ये आपका घाटा हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,000 रुपये आ जाएंगे और इंश्योरेंस अकाउंट में आपके 7,000 रुपीज चले जाएंगे और यहाँ पर भी 7,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो टोटल का रहेगा क्योंकि जो लॉस है वो 10,000 का ही हुआ है, सिर्फ हमने बियर जो है वो 3,000 करा है और 7,000 का हमें क्लेम मिल गया है, राइट। अब इसमें इस क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पार्टली इंश्योर्ड गुड्स थे लॉस हुआ 10,000 का, ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम था 70% या 70 पैसे, 70 पैसे भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब होता है 70%, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट, आपका जो लॉस हुआ एक्चुअली वो कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3,000 होगा, ना कि 10,000 फुल अमाउंट, ठीक। या एक तरह से पूछ सकता है कि जो गुड्स की वैल्यू थी वो कितनी अमाउंट से कम होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आंसर है वो 10,000 आएगा क्योंकि जो वैल्यू है वो 10,000 से ही कम हुई है, लेकिन उसमें से आपका लॉस कितना है 3,000 रुपए का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास थोड़ी फास्ट ही चलेगी, तो आप लोगों को कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है, इसमें भी मैं लिख देता हूं एक बार, या आप ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ठीक है फाइन। चलिए अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है वो है रिजर्व्स एंड फंड्स। तो अभी एक तरह का हमने रिजर्व और फंड्स, रिजर्व और प्रोविजंस का जो अकाउंटिंग होती है वो तकरीबन सिमिलर होती है, सिर्फ फर्क ये होता है हमने पिछली क्लास में इसको करा हुआ है, पहले की क्लासेस में जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लास ली थी। तो फर्क क्या होता है कि जो प्रोविजंस होते हैं वो आपका जो आपका वो लॉस एक रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन रिजर्व में हम अपने प्रॉफिट में से उसको एक सेपरेट फंड बना रहे हैं, सिर्फ पैसा उठाकर इसको यहां रख रहे हैं, कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली रिजर्व्स होता है। इसको आप बनाएंगे कैसे, इसकी एंट्री कैसे होगी? रिजर्व्स में भी आप दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक सिनेरियो होता है लॉस वाला, अगर आप इस ये जो रिजर्व है आपका किसी लॉस से रिलेट करता है, आप किसी लॉस को एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा लॉस वाला होगा। और नो लॉस वाले में आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ेगा, और इसमें आपको अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने जो देखना है वो लॉस वाला है, नो लॉस वाला हम अपनी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो अगर सपोज कीजिए आपने एक रिपेयर करवानी थी, ठीक है, आपकी एक मशीन है, अब जब मशीन नहीं होती है तो उसका खर्चा होता है वो काफी कम होता है, जैसे जैसे वो ओल्ड होती चली जाती है वैसे वैसे खर्चा बढ़ता चला जाता है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो उसकी 10 साल की लाइफ है सपोज, तो जो रिपेयर का खर्चा है वो इवनली 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। तो आप क्या करेंगे, आप एक रिजर्व अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि यार हमने 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1,00,000 रुपए जिस हिसाब की मशीनरी है उतना पैसा हमने एक रिजर्व अकाउंट में डालना है, और उसमें से जो भी खर्चा होता है मशीन पे वो उस रिजर्व अकाउंट में से ये रिपेयर हम करवा लेंगे। ठीक है, तो एक तो होता है कि आप यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है, आपने फिक्स कर दिया कि 10% ऑफ मशीन वैल्यू या 1,00,000 रुपए या कोई भी एक्स वाई जेड अमाउंट आपने फिक्स कर दी। एक होता है कि आप अनयूनिफॉर्मली उसको कुछ भी जिस साल जितना पैसा बच गया उतना उसमें रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो दोनों में सेम है, सिर्फ वैल्यू का फर्क पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, उसमें आप एक रिजर्व बनाएंगे रिपेयर रिजर्व के नाम से, उसमें आप डाल देंगे 1,00,000 रुपए। ठीक है, और ये जो रिजर्व है ये कहाँ आना चाहिए, क्या ये पैसा आपने किसी को देना है या किसी से लेना है, दोनों ही नहीं है, ये आपका एक फंड है जो लाइबिलिटीज में आएगा। जैसे कैपिटल अकाउंट हमारा एक फंड होता है, वैसे ही रिजर्व्स भी हमारे फंड होते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक फंड में आ जाएगा, आपके पास ये सरप्लस फंड पड़ा है जो आपका कैपिटल का हिस्सा नहीं रहा, जो आपके प्रॉफिट में से डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, कल को अगर कोई रिजर्व होती है अगर कोई रिपेयर होती है इस रिजर्व से, तो हम जो रिजर्व में से पैसा है वो निकाल कर रिपेयर करवा लेंगे, उस वक्त हम एंट्री करेंगे रिजर्व टू रिपेयर, राइट, और रिपेयर्स टू बैंक या कैश, जैसे भी आप उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कमीशन। किसका कमीशन? मैनेजर का कमीशन। आपने कोई मैनेजर रखा हुआ है, ठीक है, सेल्स इंसेंटिव होते हैं, ठीक है, उस तरह का कोई मैनेजर रखा हुआ है जिसको कमीशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो कमीशन दो तरह के से कैलकुलेट हो सकता है, एक होता है बिफोर प्रॉफिट
before giving such commission on profit. और एक होता है on profit after giving such commission. ठीक है, एक हम चाहते हैं कि उसको उस प्रॉफिट पर कमीशन मिले जो प्रॉफिट हमारे पास वो कमीशन देने के बाद बचता है. ठीक है, और एक होता है कि सीधा सीधा जो प्रॉफिट हुआ उस पर हम कमीशन दें. सपोज कीजिए, चलिए इसको एक केस सिनेरियो से इसको समझने की कोशिश करते हैं. 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और मैनेजर कमीशन हमने रखा हुआ था 10%. तो ये जो बिफोर गिविंग सच कमीशन है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा कमीशन अमाउंट होगी वो 10,000 रुपए हो जाएगी, 10% ऑफ 1,00,000, और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 90,000 रुपए बच जाएगा. लेकिन आफ्टर गिविंग में क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होगा, 1,00,000 रुपए प्रॉफिट था. ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो 1,00,000 रुपए है इसमें से इस एक्स अमाउंट पर हम चार्ज करें, एक्स का 10% हम करें, ताकि जो ये एक्स अमाउंट है और इसका जो 10% है ये मिलकर 1,00,000 रुपए हो जाए. ठीक है, मतलब जो हमने चार्ज किया और जो हमारा प्रॉफिट था वो, जो देने से पहले प्रॉफिट था वो टोटल मिलाकर 1,00,000 रुपए हो. तो इससे क्या होगा, अगर हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें x की वैल्यू आती है तकरीबन 90,919, आई गेस यही आएगी. जी 90,909. ठीक है, तो अब इसको हमने कैसे, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये था हमारा 90,909 का जो था प्रॉफिट था, इसके ऊपर 10% हमने चार्ज किया, मतलब 9090 ये हमने उसका मैनेजर का कमीशन चार्ज किया, और इसका जो टोटल है वो हो जाएगा 1,00,000, अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 हो जाएगा. मतलब आपके, आपने जो कमीशन था वो कम कर दिया, क्योंकि ये जो हमारा मैनेजर का कमीशन था ये भी तो हमारा खर्चा था. ठीक है, हम तो इसके लिए भी उसको कहेंगे ना कि भाई ये भी तो हमारा खर्चा है, तो जो प्रॉफिट है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट वो काफी कम होगा इससे. ठीक है, तो उससे आपका जो होगा वो एक्चुअल कमीशन इस पे रिकॉर्ड हो जाएगा. राइट, चलिए ये जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक आध सवाल, ये बिफोर और आफ्टर का जो मसला है. ठीक है, आपने सिर्फ ये ध्यान रख देना है सवाल में कि बिफोर गिविंग सच कमीशन कहा है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहा है, उस हिसाब से आपने जो है कैलकुलेशन या मैनेजर का कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना है. चलिए थोड़ा सा आखिरी दो टॉप पॉइंट रह गए हैं. अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. आपने किसी को गुड्स भेजे थे, किसी अपने कंज्यूमर को गुड्स भेजे थे. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं उसकी क्वालिटी चेक करूंगा, उसकी वैल्यू फॉर मनी चेक करूंगा, उसके बाद आपको कंफर्म करूंगा कि ये मैंने खरीद लिए या नहीं खरीदे. ठीक है, जैसे मिंत्रा या अमेजोन से आप सेल करते हैं तो आप उसमें रिटर्न पॉलिसी भी होती है 15 दिन की. अब क्या हो अगर आपने किसी को गुड्स भेजे थे 1,00,000 रुपए के, ठीक है, 31 मार्च से पहले भेजे थे, राइट, तो आपने सेल में रिकॉर्ड कर लिया था इसको, और क्या कर रहा था, और आपने डेटर क्रिएट कर दिए थे 1,00,000 रुपए के कि मेरा ये पैसा जो है वो आएगा. ठीक है, लेकिन आप जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो आपको पता चला कि ये जो गुड्स हैं ये अभी अप्रूव नहीं हुए हैं, ये कंज्यूमर ने माना नहीं है कि मैंने रख लिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो सेल है 1,00,000 रुपए की, ये वाली जो सेल है ये इसमें से सेल में से कम करनी पड़ेगी. टोटल सेल चलो 10,00,000 मान लेते हैं, थोड़ा ईजी रहेगा, तो आपकी जो सेल है वो 9,00,000 हो जाएगी. ठीक है, ये जो अमाउंट है जो अप्रूवल बेसिस पे, इसको आप अभी सेल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, इसमें हमने ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाता है. ये जो 1,00,000 है आप सेल में से डिडक्ट कर देंगे, ऐसे ही अपना जो डेटर्स है वो भी कम कर देंगे 1,00,000 रुपए से,
क्योंकि अभी आप उससे पैसे लेने लायक नहीं हुए हैं, उसने नहीं एग्री किया है वो सेल, आपका अभी रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो 1 लाख रुपए है जो आपने सेल में से कम किए, ये आप कहां ऐड करेंगे? अपने क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में आप एक सब हेडिंग बनाएंगे, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, राइट। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारा बैलेंस शीट में भी बढ़ जाएगा इसी अमाउंट से, सेम अमाउंट हमारी जो है वो बैलेंस शीट में भी आ जाएगी और जो डेटर है वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे बैलेंस शीट में। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से समराइज करके भी एक फाइल क्रिएट की दी है इस वीडियो के साथ, आपको लिंक में लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वो फाइल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं हमारी उसका जो पीएनएल में पीएनएल में जो ट्रीटमेंट है वो मिल जाएगा, ट्रेडिंग में जो ट्रीटमेंट है वो मिल जाएगा और बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट है वो भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपको पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। ऐसा ही एक छोटा सा मिलता जुलता कंसेप्ट और है, वो है अगर ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ना हो, गुड्स इन ट्रांजिट हो, इसको इरेज ही कर देते हैं कंफ्यूजन ना हो। गुड्स इन ट्रांजिट का क्या मतलब है? गुड्स इन ट्रांजिट कौन से होते हैं? सपोज आपने कोई परचेज की अपने बिजनेस के लिए, सामान कुछ खरीदा, ठीक है। 31 मार्च पे सारी जो कंपनीज है वो सेल लगाती हैं कि भाई सामान ले लो फटाफट, ठीक है, आपको सस्ते में दे देंगे। तो आपने सामान खरीद लिया लेकिन आप 31 मार्च तक आपके पास ये सामान जो था पहुंचा नहीं, ठीक है। आपने 30th को ऑर्डर प्लेस करा था, 31st तक आपके पास सामान ये पहुंचा नहीं, तो ये जो सामान है ये आपने एक्चुअली परचेज तो कर लिया है, तो इसको आपको अपनी परचेज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उसे आप अपनी जो परचेज की अमाउंट है उसमें आप लिख देंगे गुड्स इन ट्रांजिट सब हेडिंग बना के, और ये अमाउंट जो है ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये आपको परचेज में अपने इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परचेज है आपकी 31 मार्च से पहले की परचेज है, ऑल्दो आपके पास रिसीव नहीं हुआ है तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा होगा। और क्या होगा इसका सेकंड ट्रीटमेंट, क्या होगा जब गुड्स हमारे पास आएंगी तो उससे और क्या होगा, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को भी हमें इसी अमाउंट से जो गुड्स इन ट्रांजिट वाली अमाउंट है ऐड करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा ये दोनों ट्रीटमेंट, और बैलेंस शीट में आपका सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक वाला जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स में हमारे पास इतना ही था, ठीक है। ये आपकी सारी जो एक मुद्दे की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट हो सकती हैं जिस जिस तरह की, वो सारी हमने कवर कर ली हैं। इसके अलग अलग केस सिनेरियो हो सकते हैं, वो हम अपनी क्वेश्चन वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस तब तक के लिए किसी को किसी भी चीज में आप डाउट होती है आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे आप फोन कीजिए, ईमेल कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।